हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। और दोस्तों आज का हमारा हाउस जो है ये वास्तु के अकॉर्डिंग है और इस प्लॉट का साइज 28 बाय 50 है और ये प्लॉट 1400 स्क्वायर फीट और 155 गज का है। और दोस्तों जो इसकी बाकी की डिटेल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होंगी, आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके उसको देख सकते हैं। अगर आप इसका 2D लेआउट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए क्योंकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो आइए दोस्तों अभी हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी आप हाउस के फ्रंट में देख रहे हैं, आपको अच्छी खासी पार्किंग मिल जाती है और हाउस के साइड में आपको फ्रंट में ओपन एरिया देखने को मिल जाएगा। आप इस ओपन जगह को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ अभी हम हमारे हाउस के लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया में एंट्री लेते हैं और आप देख सकते हैं आपको एक बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जो हमारा लिविंग एरिया है वो आपको डबल हाइट का देखने को मिल जाएगा। तो जो इसका बाकी ओवरऑल व्यू है वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं हमारे हाउस के पूजा रूम की तरफ। आप देख सकते हैं हमने बैक वॉल पर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो आप इसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अभी हम आपको लेकर चलते हैं हमारे हाउस के ड्राइंग रूम की तरफ। आप इसका बैक वॉल डिजाइन देख सकते हैं, आपको एक शानदार लुक देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ जो यहाँ सोफा की अरेंजमेंट है आप उसको भी अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो इससे आगे चलते हुए हम आपको हाउस का हैंड वॉश एरिया दिखा देते हैं। हैंड वॉश एरिया से अगर आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको हाउस का कॉमन टॉयलेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। अभी बारी है हमारे हाउस के इम्पोर्टेंट पार्ट की और वो है हमारे हाउस का किचन एरिया। आप हाउस का ये बेहतरीन किचन देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप थोड़ा इसके बैक साइड में देखेंगे तो आपको बैक साइड में यूटिलिटी एरिया देखने को भी मिल जाता है, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे।
तो ये है हमारे हाउस का फर्स्ट बेडरूम जो कि आपको यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ही मिल जाता है। जो इसकी वेंटिलेशन है वो आपको हाउस के यूटिलिटी एरिया से देखने को मिल जाएगी और आप सामने देख सकते हैं आपको इसी रूम के साथ अटैच ड्रेसिंग एरिया भी देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अच्छा स्पेस मिल जाता है ताकि आपका सिटिंग अरेंजमेंट आराम से हो सके। आप देख सकते हैं आपको इसी के साथ अटैच टॉयलेट भी मिल जाता है और जो इस टॉयलेट की वेंटिलेशन है वो आपकी मैकेनिकली आराम से हो जाएगी। इसी के साथ अभी हम चलते हैं हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ और इससे पहले आप इसका ड्यूप्लेक्स एरिया देख लीजिए। अभी हम आए हैं हमारे हाउस के सेकंड बेडरूम की तरफ जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाता है और जो इसका बैकवॉल डिजाइन है हमने वहां पर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है। आपको अच्छे वार्डरोब यहां देखने को मिल जाएंगे और सामने की तरफ एक टीवी यूनिट भी देखने को मिल जाएगा। जो ये रूम है इसके साथ आपको अटैच टॉयलेट भी मिल जाता है और जो अटैच टॉयलेट है वो आपको हर रूम के साथ देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला टॉयलेट है ये आपको थर्ड बेडरूम के साथ भी अटैच देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको इस रूम का भी पता चल गया होगा हमारे हाउस का ये बेडरूम नंबर 3 है। आपको इसमें भी अच्छी वार्डरोब और सामने आपको एक अच्छा टीवी यूनिट देखने को मिल जाएगा और जो ये रूम है इसके साथ आपको वही सेम टॉयलेट अटैच देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस रूम की कुछ अच्छी बात करें तो आपको इस रूम के साथ एक अच्छे साइज की अटैच बालकनी देखने को भी मिल जाती है। यहाँ पर एक अच्छे साइज का आपको स्टोर भी देखने को मिल जाता है। तो ये लीजिए हाउस का फोर्थ बेडरूम अच्छी वार्डरोब के साथ और आपको इसी रूम के साथ एक अच्छी ग्रीन बालकनी भी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों इस रूम के साथ भी आपको अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप आगे वीडियो में देख सकते हैं।
दोस्तों, ये है हमारे हाउस का टेरेस एरिया। यहाँ पर आपको अच्छा सिटिंग एरिया मिल जाता है और आपको एक साइड में स्विंगर भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, जो ये ऊपर का एरिया है, आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपसे अलविदा लेते हैं, हम मिलते हैं अगली किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अच्छे कंटेंट हम आपके लिए ही लेकर आते हैं। नमस्कार।